हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी हूँ मज़े में। तो आज जो मैं फिर से कुछ दिनों बाद आपके लिए एक ब्लॉग लेके आई हूँ। बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ बिजी भी थी और कुछ ऐसा था भी नहीं कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूँ। तो आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से, बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैं हो गई हूँ घर के काम से फ्री। तो अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने आज पनीर के परांठे। और शिमला में जो है ना, कल से बहुत ठंड हो गई, आपको लग भी रहा होगा, मैंने कैप वियर की है। 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। और आज मैं पूरा दिन क्या करने वाली हूँ ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, पनीर का परांठा, आज नींबू का अचार और चाय। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे उसके बाद। आज है शिमला का मौसम कुछ ऐसा, बहुत ठंडा मौसम है, बहुत क्लाउडी है। तो अभी रेडी हो चुकी हूँ मैं स्कूल जाने के लिए। वागीशा की जो है 2:20 पे आज छुट्टी होगी, तो उसे लेने जाना पड़ता है सुबह, तो क्योंकि वो चली जाती है। अभी गाड़ियों का रश होता है क्योंकि टैक्सी वाले बच्चे, बसेस वाले बच्चे, तो बहुत क्राउड हो जाता है। और आज तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं बच्चे जो है स्कूल में कैसे ऐसे ठंड में रह रहे होंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में वागीशा को स्कूल से लेके आने के बाद। तो वागीशा आ चुकी है अब स्कूल से, कैसा रहा वागीशा आज दिन? अच्छा रहा। क्या क्या किया स्कूल में? कुछ नहीं, मैम ने हमें को टाइम टेबल बनाने को बोला, वो मंडे को लाना है। अच्छा, कौन सी मैम ने बोला? क्लास टीचर मैम ने बोला है। अच्छा, कितने बच्चे एबसेंट थे आज? आज थे 12। 12 बच्चे। ठंड थी क्लास में? ठंड लगी? नहीं, उतनी ठंडी थी। और आज SST की पीरियड में बार बार मैम कौन क्वेश्चन सी आंसर्स कर? करा रहे थे ना, तो बार बार मेरे को भेजे जा रहे कि इस सेक्शन से नोटबुक लाओ। फिर नहीं, फिर गई मैं डी सेक्शन, फिर डी सेक्शन से लानी पड़ी मेरे को प्रथा की नोटबुक। तो अच्छा, फिर प्रथा की नोटबुक लाई, फिर वापस जाके प्रथा को नोटबुक वापस दी, फिर वापस आई। किसने फिर भेजा? मॉनिटर की एक तो जॉब है, फिर उसकी वजह से अब गला बैठ चुका है। अच्छा, तो अब क्या करोगे? आप ड्रेस चेंज करोगे, उसके बाद आज आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या हम देखेंगे सरप्राइज? मूवी। कौन सी अच्छा, मूवी? मेरे को नाम नहीं याद, मेरे को पता किसकी मूवी। लापता लेडीज, किसकी मूवी है वो? प्रतिभा रेंटा दीदी की। जा रहे हैं मूवी देखने, साथ में पॉपकॉर्न। कौन सी मूवी देखने वाले वागीश? लापता लेडीज हम जा नहीं रहे, हम यही देखेंगे। हाँ, मेरा मतलब ये था कि हम मूवी देखने वाले हैं अभी फोन में। तो मैं और वागीश जा रहे हैं अभी केमिस्ट तक शॉप, क्योंकि मुझे कोल्ड सा लग रहा है, गले में दर्द भी है, हेडेक भी है, और साथ में वागीशा को भी कोल्ड हुआ है। तो मेडिसिन लेके आते हैं, और साथ में जो है हमने घर के लिए भी कुछ सामान लाना है, कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाने हैं क्योंकि कल स्कूल है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो शॉप से आ चुके हैं वापस, मेडिसिन लेके और वेजिटेबल्स लेके। तो अब पीती हूँ मैं चाय, उसके बाद जो है बनाती हूँ डिनर। डिनर में क्या बनाऊँगी मैं आज, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और साथ में बनाने वाली हूँ मैं मिर्च का अचार, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे फटाफट से जो इंस्टेंट होता है मिर्च का अचार कैसे बनाया जाता है। मैं ये वाले कद्दू, तो आज बनाने वाली हूँ मैं इसकी सब्जी। इसको जो मैंने वॉश कर लिया है, मैं इसको कट करूँगी, तो इसकी वेजिटेबल बनाऊँगी आज डिनर में। कट हो चुकी मेरे सब्जी, अब मैं इसको वॉश करके फटाफट से बनाती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ मैं मिर्च का अचार। तो मैं बनाने वाली हूँ मिर्च का अचार, और ये जल्दी बन जाता है, फटाफट से रेडी हो जाता है। और मैं ज़्यादा मिर्च नहीं ले रही हूँ, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इनको मैंने धो के जो है सुखा लिया था। और अब मैं इसका अचार बनाने जा रही हूँ, और ये मैं किस तरह से बनाऊँगी आपसे भी ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यूं ही बने रहिए मेरी वीडियो में, और देखिए मैं किस तरह से मिर्च का अचार बनाती हूँ।
तो यहाँ पर ले ली मैंने कढ़ाई और इसमें ले लिया मैंने मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ऑयल। साथ में एक साइड जो मेरी सब्जी भी रेडी हो रही है, अब इसको हल्का गर्म होने देंगे ऑयल को। उसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें हरी मिर्च, तो इसमें मैंने ऐड कर दी हरी मिर्च। अब इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें लेमन जूस। आप चाहे विनेगर या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसमें किया है लेमन जूस ऐड। साथ में ऐड करूँगी मैं इसमें थोड़ी सी शुगर, एक खट्टी मिट्टी सी ना बहुत टेस्टी मिर्च का अचार बनता है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें मैंने हल्का सा थोड़ा सा नमक भी यूज़ किया है। इसके बाद मैंने इसको 2 मिनट और कुक किया। अब ये रेडी हो चुका है मेरा मिर्च का खट्टा मीठा अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी या मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी और उसके बाद मैंने जो इसको इसमें स्टोर कर लिया, और ये बहुत टेस्टी होता है। तो आप इसको जो जैसे ही ये रेडी हो जाता है उसी टाइम भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी रेडी हो चुके हैं, तो अब करेंगे हम डिनर। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. करिए वागीशा स्कूल का काम, क्या कर रही हो वागीशा? अभी तो मैं पेंसिल बॉक्स में सामान भर रही थी और ये एक्टिविटी की है हमने आज। कौन सी एक्टिविटी? परिचय संस्कृत की। अच्छा, सर ने दिया, स्कूल से दिया आपको ये? हाँ जी सर, पता नहीं शायद से चेंज होंगे, एक मैम आ गई उनकी जगह। ये देखिए, गुड। इसमें अब पीछे नाम भी लिखना रह गया, मैं लिखूंगी। तो जो सारे में आपने गंद डाला हुआ ये कौन साफ करेगा? यहाँ पे जो है विधि से आटा गूंद रही है, मामा की हेल्प कर रही थोड़ी बहुत। अवश्य।